आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी टी टाइम केक की रेसिपी। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड केक, वो भी घर में रखे हुए सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट एक केक बनकर तैयार होता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द परफेक्ट टेबल में। यहाँ पर केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ले लिया है कर्ड। यहाँ पर हम फ्रेश कर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मेजरिंग कप से मैंने यहाँ पर आधा कप फ्रेश कर्ड ले लिया है। याद रखिए, सभी इंग्रेडिएंट्स हमें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर लेना है। साथ ही में हम इसके अंदर डालेंगे 2/3 कप शुगर यानी कि पाउडर शुगर। शुगर और कर्ड को हमें अच्छे से मिक्स करना है, तो इसे मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने एक विस्कर ले लिया है। आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर से भी इसे मिक्स कर सकते हो। जब तक शुगर अच्छे से कर्ड के साथ मिक्स नहीं हो जाती और डिजोल्व नहीं हो जाती, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। ये कुकिंग ऑयल है विदाउट स्मेल वाला। जब भी आप केक के अंदर ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि ऑयल के अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो केक का टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू विस्क कर लेंगे जब तक ऑयल अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो यहाँ देखिए, बहुत ही परफेक्टली ये मिक्स हो चुका है, तो इसे हम साइड में रख देंगे और चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल के अंदर ले लेती हूँ छलनी रखकर 1 कप मैदा। तो यहाँ पर 240 ml का ये मेजरिंग कप है जिससे हमने 1 कप मैदा लिया है। साथ ही में हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्लैट इस तरह से बेकिंग सोडा लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। साथ ही में हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है, साथ ही में ये 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। अब हम इन सभी को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। जब भी हम मैदे से केक बनाते हैं तो इसे छानना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से मैदे के अंदर एयर जमा होती है, इससे केक बहुत ही बढ़िया परफेक्टली राइज होता है। तो यहाँ पर जो भी लम्स है हम इसे निकाल देंगे और ये लीजिए, हमारे ड्राई वाले इंग्रेडिएंट्स तैयार है। तो इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम मिला देंगे वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। जब भी हम वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं तो उसके पहले हमें केक टिन को रेडी करके रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही केक टिन रेडी कर रख लिया है। आप भी जब भी केक बैटर बनाते हो तो पहले से ही केक टिन रेडी कर रख लीजिए, क्योंकि एक बार बैटर बनने के बाद हमने उसे ज्यादा देर तक इस तरह से छोड़ दिया तो केक राइज होने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही गाढ़ा है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे मिल्क। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मिल्क लिया है, उसमें से थोड़ा मिल्क हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से एक बार याद दिला देती हूँ कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप केक के अंदर इस्तेमाल करते हो सभी रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। एक परफेक्ट केक को बेक करने में किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, इन सभी टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा कर सारा मिल्क इसके अंदर ऐड कर दिया और ये लीजिए, बहुत ही फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही परफेक्टली ये बैटर बन चुका है। तो चलिए इसे फटाफट से केक टिन के अंदर पोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से टी केक वाला टिन ले लिया है, इसके अंदर हम सारे बैटर को पोर कर देंगे और पोर करने के बाद 1 से 2 बार इसे टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर पॉकेट्स हों निकल जाए। तो यहाँ पर हमारा केक टिन रेडी है बेक होने के लिए, तो फटाफट से हम इसे माइक्रोवेव में बेक कर लेंगे 180 डिग्री पर 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, 40 मिनट में ही हमारा केक बेक हो चुका है। बहुत ही परफेक्ट एक केक बेक हो गया है और बहुत ही प्यारा सा इसे कलर आ चुका है। तो अब हम इसे कवर कर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। लगभग 1 घंटा हो चुका है, केक ठंडा भी हो चुका है, तो अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। गरम गरम केक को अगर हमने डिमोल्ड किया है तो वो टूट सकता है, तो साइड से हम इसे छुड़ा लेंगे नाइफ से और इसे फटाफट से टर्न कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे टर्न कर लेती हूँ एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर और ये लीजिए, बहुत ही परफेक्टली ये केक बेक होकर निकला है। कितना प्यारा सा इसका कलर आया और बहुत ही परफेक्टली ये बेक हो चुका है। तो इसके पीछे जो बटर पेपर है हम पहले इसे रिमूव कर लेंगे और ये लीजिए, हमारा टी टाइम केक कस्टर्ड केक बनकर तैयार है। तो इसे हम कट कर लेते हैं स्लाइसेस में। तो यहाँ पर एक नाइफ से मैं इसे कट कर लेती हूँ। कट करने से ही आपको पता चलता होगा कि ये कितना सॉफ्ट
बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल स्पॉन्जी फ्लफी हमारा केक बन चुका है। जब भी दोपहर में चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो इस केक की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।